महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हुई हत्या की सीबीआई जांच को हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच करवा सकती है। लगातार इंसाफ की मांग को लेकर चर्चा का विषय रहे साधुओं की लिंचिंग मामले में सीबीआई जांच का रास्ता अब साफ हो गया है। मामला अप्रैल 2020 का था, जहां पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर देश भर में विरोध देखने को मिला था। इस घटना को लेकर उद्धव सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। दरअसल उद्धव सरकार की ओर से दलील देते हुए ये कहा गया था कि पुलिस जांच हो चुकी है, जिसके चलते सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव सरकार के इस फैसले को विरोधियों ने आड़े हाथों लिया था। 16 अप्रैल साल 2020 को दो साधुओं और उनके ड्राइवर की लिंचिंग के दौरान हत्या कर दी गई। यह घटना कथित तौर पर बच्चा चोरी का शक जताते हुए पालघर इलाके के गढ़चिंचले गांव में हुई थी, जहां दो साधुओं कल्पवृक्ष और सुशील गिरी समेत ड्राइवर को पीट पीट कर भीड़ ने मार डाला। इस घटना पर देश भर के संत समाज ने पुरजोर विरोध करते हुए तत्कालीन उद्धव सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। विपक्षियों ने कहा था कि उद्धव सरकार को तुरंत ही सख्त एक्शन लेते हुए मामले की सीबीआई जांच करवानी चाहिए, लेकिन उद्धव सरकार ने ऐसा नहीं करते हुए इसे महज पुलिस जांच में ही सिमटा दिया। उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद शिंदे गुट ने दांव खेलते हुए पालघर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाने की सोची, जिसके लिए शिंदे सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा भी दायर किया गया। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार पालघर मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहती है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को सीबीआई जांच की इजाजत दे दी, जिसके बाद अब पालघर साधु हत्याकांड की जांच का रास्ता साफ हो गया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।